देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा सरकार के नकारात्मक रवैये से खफा प्रदेश भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी, भाजपा मंत्रियों व विधायकों के आवासों पर आज यानी 5 अगस्त को प्रदर्शन करके उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि हिसार जिले के सफाई कर्मचारी मधुबन पार्क में एकत्रित होंगे और यहां से प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास तक जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान आज यानी 5 अगस्त को गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और गुरुकुल के विभिन्न प्रकल्पों का भ्रमण करेंगे। बता दें कि गुरुकुल के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पावन सानिध्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री गुरुकुल के विभिन्न प्रकल्पों का दौरा करेंगे। बेड़ियानगर से आज यानी 5 अगस्त को मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर से कांवड़ यात्रा निकलेगी। बता दें कि यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये धार्मिक यात्रा शिव भक्त मंडली, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राधे राधे मित्र मंडल, भगवा राजमित्र मंडल व ग्रामीणों की ओर से निकाली जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे 5 दिवसीय बिहार यात्रा करेंगे। बता दें कि इस दौरान आज यानी 5 अगस्त को सुबह 10 बजे बक्सर नमन यात्रा के लिए सर्वप्रथम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर रामपुर ब्रह्मपुर में सावन सोमवारी को दर्शन पूजन करेंगे। खुर्जा में जनपद शिक्षा केंद्र लहार द्वारा FLN रिफ्रेशर 3 का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आज यानी 5 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जो 9 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि प्रशिक्षण में कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाड़ौती में पहली बार बारकिन्नर समुदाय सावन की तीसरे सोमवार यानी आज कांवड़ यात्रा निकलेगी। बता दें इसमें संभाग से किन्नर समुदाय के लोगों के साथ आम जन की भी सहभागिता रहेगी। बैकुंठपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरिया जिला मुख्यालय के प्रेमा बाग स्थित शिव मंदिर से कांवड़ यात्रा आयोजन आज यानी 5 अगस्त को किया गया है। बता दें इसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। हर साल 13 किलोमीटर की पदयात्रा कर कांवड़िया छुरी धाम पहुंचते हैं। जोधपुर में रेजिडेंसी रोड स्थित एंडोक्राइन लैब में आज यानी 5 अगस्त को अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल के ऑर्थोपेडिक जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ व ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर हिमांशु माथुर अपनी सेवाएं देंगे। बता दें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वे मरीजों की जांच करेंगे। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप 3 सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें जिसके बाद आज यानी 5 अगस्त से इन पदों के लिए esb.mponline.gov.in वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज यानी 5 अगस्त से 10 अगस्त तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। बता दें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1852 में आज ही के दिन उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रवादी आचार्य प्यारे मोहन का जन्म हुआ था। साल 1907 में आज ही के दिन मद्रास विधानसभा के सदस्य बीजी रेड्डी का जन्म हुआ था। साल 1998 में आज ही के दिन बुल्गारिया के 36वें प्रधानमंत्री टोडर जकोव का निधन हुआ था। साल 1999 में आज ही के दिन चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर था। साल 2002 में आज ही के दिन गोंजालो लोजाडा बालोविया के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।